गाइस वेलकम टू माय क्लावर बुक्स. आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एमपीपीएससी प्री के लिए उनके बारे में. एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि जो एमपीपीएससी मेंस है उसमें जब आप 3 मार्क्स क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और एमपीपीएससी प्री के लिए जो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है. जो अप्रोच होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए वो सेम होती है, क्योंकि जो 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं मोस्टली ऐसे टॉपिक्स पर होते हैं जिन पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे. तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी, और जो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है. देखिए एंशियंट हिस्ट्री जो है उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें साइट्स डिफरेंट साइट्स जो है वो कौन से स्टेट्स में पड़ती है ये आपको पता होना चाहिए. और जो इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ें डिस्कवर हुई है जैसे ग्रेट बाथ हुआ है या ग्रीनरी हुई है या जो डांसिंग गर्ल का एक फिगर है ब्रॉन्ज फिगर वो हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर डिस्कवर हुई है इम्पॉर्टेंट वाली वो आपको पता होना चाहिए. उसके अलावा वैदिक कल्चर जो है उसमें जो वैदिक स्क्रिप्टर्स हैं हिंदू स्क्रिप्टर्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद जो चारों वेद हैं उनके बारे में. उसके अलावा ब्राह्मण आरण्यक जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें, और उपनिषद जो है इम्पॉर्टेंट जैसे सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. अगर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइए, ठीक है. इसके अलावा ये सारी चीज़ों स्क्रिप्टर्स हो गई, ठीक है. एंशियंट टाइम की जो किताबें हैं जो बुक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा जो वैदिक कल्चर में आप पढ़ेंगे वैदिक जो सभ्यता थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम हुआ करते थे डिफरेंट चीजों के वो आपको पता होना चाहिए. इसके बाद जब जो महाजनपद काल है उसमें एमपी में जो पोर्शन पड़ता था वो आपको सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है कि कौन कौन से जो महाजनपद है वो उनका पोर्शन एमपी में आता था, ठीक है. और इसके बाद जब महाजनपद टाइम चला जाता है तो उसके बाद आता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का टाइम. तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सारी जितनी भी काउंसिल्स हुई है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की वो सारी किसके टाइम पे हुई है और किस जगह पे हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए. जो डॉक्ट्राइन है जो प्रिंसिपल है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा जो अशोका के जो शिलालेख हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए कि कौन से इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है. अशोका से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती है, जैसा मैंने प्री के टाइम पे बताया कि अशोका जो है वो रिलेटेड है एमपी की हिस्ट्री से, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमपीपीएससी के लिए. जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में पढ़ना है बट उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना जितना आपको अशोका के लिए पढ़ना है. अशोका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है, और बुद्धिज्म और जैनिज्म इनफैक्ट यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा जाता है. लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और इस साल भी अशोका से रिलेटेड भी आया था और बुद्धिज्म से रिलेटेड भी आया था. तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से और बहुत डीप में पढ़ना है. कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से डीप में तैयार करनी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है वो इतने सालों से पूछा जा रहा है कि अब उसका लेवल बढ़ा दिया गया है, मतलब अब थोड़ा ज़्यादा और डीप में पूछा जाने लगा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है. अब जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हो गया, इसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद जो जिन्होंने जो फॉरेन रूलर्स थे जिन्होंने अटैक किया इंडिया पे उनके बारे में पढ़ना है. और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है तो कनिष्क हर्ष ये जो सारे इंपॉर्टेंट हो गए, गौतमीपुत्र शातकर्णी, ये जैसे मैंने बताया था आपको 3 मार्क्स के लिए सेम चीज़ है. यहाँ पर आपको उसी उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जो आप 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है 3 नंबर वाले क्वेश्चन उनके लिए पढ़ रहे हैं तो उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है. रूलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी डायनेस्टी के आपको पता होना चाहिए किसने एस्टैब्लिश करी है, इंक्लूडिंग जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वर्धन डायनेस्टी हो या फिर जो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज़ है चोला पांड्य और राष्ट्रकूट और चेर वगैरह जितनी भी है इनके जो जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है. और अगर कोई इम्पॉर्टेंट
वॉर हुई है, कोई बैटल हुई है नॉर्थ इंडियन रूलर्स और सदर्न रूलर्स के बीच में, तो वो भी आपको याद रखना है। जैसे हर्ष को किसने डिफीट किया था, पुलकेशिन सेकेंड जो है उन्होंने डिफीट किया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, आपको वो याद रखना है कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो इसी टाइप की चीज़ें आपको बैटल्स वगैरह तो सारी पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद गुप्ता पीरियड जो है उसमें जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं, और जैसे आर्यभट्ट जो है उनके बारे में, वरामीर जो है उनके बारे में, जितने भी गुप्ता पीरियड में स्कॉलर्स हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं या जिन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। गुप्ता पीरियड अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्योंकि अब मैं बताऊँ आपको, यूपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जो बॉन्डेड लेबर होता है, बॉन्डेड लेबर मतलब यार बंधुआ मजदूर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया यूपीएससी में। तो गुप्ता पीरियड आप ये चीज़ें आपको क्या बताती है, यूपीएससी जो पेपर है वो आपको बताता है कि आपको कहाँ फोकस करना है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं, आप चाहे तो यूपीएससी का पेपर आप एक बार देखेंगे तो आपको फोकस ये समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है। वो इनफैक्ट हिस्ट्री नहीं, सारे सब्जेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो जो टॉपिक्स उसमें पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको डीप में कवर करने और डीप में पढ़ने, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। वैसे मेरी मानिए तो तैयारी आपको यूपीएससी के लेवल की ही करना चाहिए, बाकी एमपी को भी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो पहले पैटर्न था आपको उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि आप सोचेंगे कि पहले जैसे क्वेश्चन आते थे इजी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी उतने आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखा यहाँ पर गुप्ता पीरियड के बाद हम लोग को जो लेटर गुप्ता रूलर्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद मिडिवल इंडिया जो है सल्तनत पीरियड के पहले जितने भी हुए हैं, मतलब जो मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी, जो जहाँ जहाँ अटैक किया है उसने मोहम्मद गौरी के बारे में, और जो वॉर हुई है उनकी जयचंद या पृथ्वीराज चौहान से उनके बारे में, वो सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। और सल्तनत पीरियड जो है उसमें सारे रूलर्स जो है उनका टाइम पीरियड आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो सल्तनत पीरियड के रूलर्स हुए हैं डिफरेंट डायनेस्टीज में, तो आपको याद रखना है कि कौन सी डायनेस्टी का टाइम कितने टाइम तक, मतलब कौन से कब से शुरू हुआ है और कहां पर खत्म हुआ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2017 में आई थिंक। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सबसे कम जो टाइम था सल्तनत पीरियड में वो किसका रहा है, कौन सी डायनेस्टी का रहा, तो ऐसी चीजें भी आपको याद रखना है जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है, और जो लास्ट रूलर है वो भी आपको याद रखना है। देन इसके बाद जो है मुगल पीरियड जो है बाबर से लेकर औरंगजेब तक के सारे रूलर्स के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, उनके टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि अब ये देखिए आप ये सोच के मान के चलिए पेपर कितना भी हार्ड आए आप उसके लिए तैयार हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, और मतलब रूलर्स को पढ़ लें आप, मुगल डायनेस्टी में जो भी रूलर्स हुए हैं औरंगजेब तक के उनको पढ़ लें। लेटर मुगल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पढ़ना, आपको शाह आलम पढ़ना है, क्योंकि शाह आलम का टाइम बहुत ज़्यादा रेन बहुत ज़्यादा लंबा चला है जैसे मैंने बताया आपको, और लास्ट कौन थे उनके बारे में पढ़ना है। और बाकी सारी चीज़ें जब आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो उतना बहुत है। देन स्पेक्ट्रम आपको वैसे पढ़नी है, प्री के लिए बहुत अच्छी बुक है, बट अगर आप विपिन चंद्रा भी पढ़ रहे हैं तो उसमें शॉर्ट में काफ़ी कुछ दिया है और वो मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। तो मुगल्स के बाद जो मराठा किंगडम है उसमें इम्पॉर्टेंट रूलर्स पढ़ने हैं, और मराठा और पेशवास जो है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और विजयनगर एम्पायर है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, और इसके अलावा जो टीपू सुल्तान और उनके फादर थे उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्योंकि बैटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफ़ी बैटल्स हुई है, तो वो भी क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनके और जो इंडियन किंग थे इंडियन रूलर्स थे उनके बीच में बहुत सारी बैटल्स हुई है, तो इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो है वो आपको याद रखना है। और अगर हो सकेगा तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बताऊँगी जिसमें हम लोग डिफरेंट बैटल्स जो है वो डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, ताकि आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन अगर बैटल से रिलेटेड आए तो वो आप इजीली उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। ये सब और गवर्नर जनरल जो है उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, आप क्रेजी जीके ट्रिक्स का जो चैनल है उस पर आपको गवर्नर जनरल वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से वो सर बताते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आई गेस वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। गवर्नर जनरल जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाइक एमपीपीएससी में क्या पूछा गया है कि जो फर्स्ट सेंसस है वो कौन से
गवर्नर के टाइम या वॉइस रॉय के टाइम पे हुआ है, और जो कांग्रेस था वो उसका फॉर्मेशन कब हुआ है, मतलब कौन से उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय थे, ऐसे चीज जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मूवमेंट्स थे, पीजेंट मूवमेंट हो या रिवोल्यूशनरी या रिफॉर्म मूवमेंट हो, ये सारे आपको पढ़ने हैं। और इनसे रिलेटेड जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या जो भी इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुए हैं, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह, इनसे रिलेटेड जो पर्सन्स है ये आपको सेपरेटली, इनफैक्ट एक पेज में ही आपको लूसेंट में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि शॉर्ट में सब कुछ दिया है। हालांकि आपको कुछ कुछ मूवमेंट्स और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको डीप में समझनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको शॉर्ट में भी पढ़ते हैं तो वो काफ़ी काम आएगा आपके, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ इसको लूसेंट से आप कवर कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ना है बट रिविजन लूसेंट से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, हालांकि आपको स्पेक्ट्रम में इससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी कुछ मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है, आई गेस ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बता चुकी हूँ, और ऐसा मत सोचना कि सब कुछ बता ही दिया। हाँ, बहुत बड़ा पोर्शन है हिस्ट्री का, ये तो मैं मानती हूँ, ये सबको पता भी है, बट कहाँ कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको वो मैंने बता दिया है। मतलब कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें जो आपको पढ़ने के बाद याद होनी चाहिए वो मैं बता चुकी हूँ। तो एंड ऑफ द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।